क्रिकेट मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। दरअसल उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। उन्होंने अपने सभी पोस्ट भी हटा दिए हैं जो जनवरी 2023 से पहले के थे। अब इस अचानक हुए बदलाव ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि रणवीर और दीपिका के बीच रिश्ते में दरार का संकेत है, वहीं कुछ का कहना है कि किसी नए प्रोजेक्ट या फिर प्लानिंग का एक पार्ट है। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट के दौरान अरिजीत सिंह स्टेज पर नाखून काटते नजर आ रहे हैं। अरिजीत सिंह को इस तरह से देखकर लोग काफी हैरान रह गए हैं। अब अरिजीत सिंह का ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज स्टारडम से अपने डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं और अब इस स्टारडम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आर्यन खान के इस वेब सीरीज की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल चल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान की वेब सीरीज स्टारडम साल 2024 के आखिर तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। वेब सीरीज स्टारडम में बॉबी देओल और लक्ष्य लालवानी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार इस पर अपडेट भी सामने आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी नजर आने वाले हैं। और अब हुमा कुरैशी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो फिल्म जॉली LLB 3 में नजर आने वाली हैं। हुमा कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया में लिखा है, पुष्पा पांडे इज बैक। शेखर सुमन और कंगना रनौत अब एक ही राजनीतिक पार्टी BJP में हैं। पार्टी में शामिल होने के दौरान शेखर सुमन से एक न्यूज एजेंसी ने पूछा कि क्या वो मंडी में कंगना के लिए प्रचार करेंगे। तब उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया कि अगर बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, ये तो मेरा फर्ज है और हक भी। बता दें कि कंगना रनौत शेखर के बेटे अध्ययन सुमन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसके बाद ये बयान सामने आना चौंकाने वाला है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस वीडियो में उन्हें एक फैन ने राह की खूबसूरत सी पोर्ट्रेट गिफ्ट करी है। वीडियो में रणबीर पोर्ट्रेट देखकर इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो फैन को गले लगा लेते हैं। ये पोर्ट्रेट देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। रणबीर इस गिफ्ट से काफी खुश हुए और उन्होंने फैन को थैंक यू भी कहा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस पूनम पांडे हमेशा अपनी बोल्ड अदाओं और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं। अब हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वो बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में पूनम पांडे को एक काले कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने देखा जा सकता है। ये ड्रेस उनके बॉडी को अच्छे से हग करके फिट हो रही है और उनके शानदार फिगर को भी बहुत अच्छे से दिखा रही है। साथ ही उन्होंने अपने लुक को हल्के मेकअप और बंधे हुए बालों से कंप्लीट किया है। जानवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही लंबे टाइम से लाइमलाइट में हैं। वहीं आज 8 मई को मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रोड्यूसर करण जौहर ने जानवी कपूर और राजकुमार राव का फर्स्ट लुक आउट कर दिया है। बता दें कि करण जौहर ने मिस्टर एंड मिसेस से 3 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें जानवी और राजकुमार राव का चेहरा पहली बार देखने को मिल रहा है। आलिया भट्ट ने इस साल दूसरी बार बिग फैशन इवेंट मेट गाला में दस्तक दी है। वहीं बीती रात एक्ट्रेस ने घर वापसी से पहले अपनी मेट गाला की टीम की जमकर तारीफ की है। आलिया भट्ट ने एक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस अपनी मेट गाला 2024 की टीम के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो में मेट गाला के लिए आलिया भट्ट की डिजाइनर साड़ी तैयार करने वाले पॉपुलर फैशन डिजाइनर सभ्यसाची और अनीता श्रॉफ अज्जानिया भी दिखाई दे रही हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स में भारत की ओर से शामिल किया है। जी हां, भूमि उन 5 भारतीयों में से एक है जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 का हिस्सा बनने के लिए चूज किया है। वही एक्ट्रेस अपने इस अचीवमेंट से काफी खुश हैं और खुद पर प्राउड भी फील कर रही हैं। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।